नमस्कार, स्वागत है आपका। दमोह सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात रखी। उन्होंने गरीब कल्याण की जो अन्य योजना है उसकी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है तो इस पर बात करें, उसको सीधे सीधे चैलेंज किया है। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से उन्होंने बात रखते हुए तर्क सहित, आंकड़ों सहित पूरी बात सामने रखी है। आइए लेके चलते हैं हम दिल्ली में, वहां जहां दमोह सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल संबोधित कर रहे हैं पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को। आज मैं गरीब कल्याण के लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। देश की राजनीतिक व्यवस्था में गरीब की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गरीब कल्याण का जो मॉडल मोदी सरकार ने दिया वो आदर्श मॉडल है। और ये बात मैं इस आधार पर कहता हूँ कि इस देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनने के बावजूद भी देश में गरीब आदमी को राशन नहीं पहुँच पाया। पीडीएस सिस्टम में इस बात की गारंटी दी गई थी गरीब आदमी को वहाँ से सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन चाहे पत्रकार जगत के लोग हों या जनप्रतिनिधि हों, हमेशा से पीडीएस पर उंगलियाँ उठती रही। जब ये योजना शुरू हुई थी तब वो 4 राज्यों में। मैं मोदी सरकार की अगर सफलताएं गरीब कल्याण के लिए मानता हूँ तो मैं पहली सफलता मानता हूँ कि ये योजना आज 36 राज्यों में लागू है। और इसमें 2 प्रकार की योजना है, एक है ODWS और दूसरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब हम एक योजना में एक परिवार को यूनिट मानते हैं तो 35 किलो चाहे उसमें संख्या 2 की हो चाहे 4 की हो, हम एक मुश्त 35 किलो अनाज उस परिवार को देते हैं। वह गरीब कल्याण योजना में अन्य योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन की दृष्टि से उसको सस्ते दाम पर देने की बात हुई, लेकिन अभी मोदी जी ने फिर से 5 साल के लिए जो योजना गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई है, अब वह मुफ्त में अनाज लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और इस योजना में लगभग 5 साल में 12 लाख करोड़ यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होगा। ये आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कितने बड़े खर्चे के साथ में ये योजना चलाने के पीछे आशय क्या है, और मैं आपसे चर्चा के दौरान ही कहूँगा, मैं अपने प्रतिपक्षी लोगों को भी कहता हूँ कि यदि चर्चा करनी है तो गरीब कल्याण पर वो चर्चा करें तो शायद योजनाओं का सही मूल्यांकन हो पाएगा। मैं देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है, और उस समय एक बड़ी चुनौती होती थी कि मजदूर जो प्रवासी मजदूर खासकर अपने घर से चलता था, उसके मेहनत का पीएफ कटता था और वो दिल्ली जैसी जगह में जमा हो जाता था सरकार के पास, लेकिन उसको जीवन भर कभी वापस नहीं मिलता था। और अनक्लेम्ड पीएफ का पैसा 20-30 हज़ार करोड़ इसी दिल्ली सरकार के पास पड़ा होता था। हम लोगों ने जो चार्टर बनाया था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर, उस चार्टर को मोदी ने इम्प्लीमेंट किया और यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का देकर मेहनत कस मजदूर के पैसे की गारंटी दी। वो मजदूरी चाहे मध्य प्रदेश में करे या जम्मू कश्मीर में करे या दक्षिण में करे, जो उसका पीएफ का पैसा होगा वो उसके खाते में जाएगा। ये एक ऐसी शुरुआत थी, वर्षों तक जो वामपंथी गरीबों की चर्चा करते रहे वो नहीं कर सके जो काम मोदी ने किया। पर दूसरा कष्ट होता था कि उसका राशन कार्ड होता था लेकिन वो राज्य से बाहर राशन नहीं ले सकता था। तब मोदी ने वन नेशन वन कार्ड की कल्पना के साथ
20 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कार्ड बनाकर उस गरीब आदमी को इस बात की गारंटी दी, यदि तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम राज्य के बाहर भी राशन ले सकते हो, तुम्हारा अधिकार मारा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक कठिनाई थी, आधा परिवार मध्य प्रदेश में और आधा यहाँ, जिसके पास कार्ड होगा वो ही अनाज ले सकता था। तो उसके बाद में उन्हें उसको डिजिटलाइज किया। अब अगर आधा परिवार मध्य प्रदेश में है तो वो अपना अंगूठा लगाकर अपना राशन ले सकता है, बचे हुए लोग जहाँ पर हैं वो वहाँ पर राशन ले सकते हैं। तो चौथी बात मुझे लगती है कार्य प्रणाली की, कि अक्सर राशन की क्वालिटी पर विवाद होता है, उस पर उंगलियाँ उठती थी। अब ये विकल्प भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, यदि राशन की क्वालिटी अच्छी ना हो, राशन देने दुकान वाले का बर्ताव अच्छा ना हो, तो आप नज़दीकी किसी दुकान से भी जाकर राशन ले सकते हैं। और इसका जो परिणाम आया है कि लगभग 5000 दुकानें इसलिए बंद हो गई कि उनका बर्ताव ठीक नहीं था या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो कोई लेने के लिए वहाँ तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट है जिस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब कभी गरीब कल्याण की बात हम करते हैं तो हम सिर्फ प्रवासी मजदूर की बात नहीं करते, हम उसको देखते हैं कि जब किसी गरीब परिवार के पास भोजन की गारंटी होगी तो वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करेगा, वो चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे उसके अन्य अन्य ज़रूरतों के लिए हो, उस बचे हुए पैसे का वो उपयोग करेगा। दूसरी बात होती है जो गरीब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यदि भोजन उसके पास होगा तो मेहनत की कमाई बच्चों के काम आएगी, लेकिन स्वास्थ्य और दुर्घटना ये गरीब आदमी के लिए बड़ी चुनौती रही है। आयुष्मान कार्ड ने उसके स्वास्थ्य की गारंटी दी है और पीएफ के नंबर ने दुर्घटना में उसकी क्षतिपूर्ति की गारंटी दी। ये जो मॉडल है ये मोदी का आदर्श मॉडल है। और तीसरी बात, जब मैं ये बात कहता हूँ कि कोई गरीब आदमी में या गरीब परिवार में महिला ही भोजन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है भारतीय परंपरा में, और इसलिए अगर आप बहुत बारीकी के साथ देखेंगे तो इतना बेहतरीन साइकिल है जो क्लासिफिकेशन मोदी जी ने किया है, कि एक तरफ एक गरीब है जिसके कल्याण की हम चिंता करते हैं, दूसरा है महिला सशक्तिकरण की वो भोजन की चिंता से मुक्त हो और अपने बच्चों की चिंता करें। हम अगर वो मानते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ना बने बल्कि और बेहतर ज़िंदगी जिए तो वो अपने मेहनत की कमाई से उसके भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन अन्न के भंडार अगर भरे होंगे तभी सरकार मुफ्त में अनाज दे सकती है। और उसी का परिणाम है कि आज देश का अन्नदाता वो सम्मान भी प्राप्त कर रहा है, जो देश के भंडारों को भर रहा है उसको उचित कीमत मिल रही है। हमारे अनाज के भंडार भरे होंगे तब जाकर हम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को चला पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है ये पूरा साइकिल है, चाहे वो मजदूर हो या चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे नौजवान हो और चाहे वो किसान हो, ये एक ऐसा साइकिल है जो गरीब कल्याण की पूरा करने की गारंटी देता है और यही मोदी की गारंटी है। और इसलिए मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि जो लोग आलोचना भर में विश्वास करते हैं और नकारात्मक राजनीति करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि एजेंडा अगर तय करना है देश के गरीब के लिए, आपके गरीब की बातें आश्वासन थी और मोदी की गरीब कल्याण की योजना है उसकी गारंटी है। अगर वास्तव में चर्चा करनी है तो इस मुद्दे पर मैं विरोधियों से कहूँगा कि इस पर ज़रूर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर जाएं और इस पर अगर चर्चा होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है आज इसलिए छोड़ दीजिए, अगर गरीब कल्याण पर कोई बातचीत हो तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो सर ये जो गरीब कल्याण की आप बात कर रहे हैं तो आप 2024 के लिए एजेंडा अपना तय कर रहे हैं कि क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुझे लगता है कि हम सिर्फ इसको चुनाव से जोड़कर ना देखें तो अच्छा होगा। उसका एक बढ़िया उदाहरण है, प्रधानमंत्री ने अभी इसी चुनाव के बीच में गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसे सफर बंद होने वाली उसका समय पूरा हो रहा था, उन्हें 5 साल के लिए बढ़ाया। अगर हम वोट की चिंता करते तो 1 साल के लिए बढ़ाते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अगर गरीब कल्याण की हमें चिंता नहीं होती, वोट की चिंता होती तो हम एक साल के लिए बढ़ाते, हम पाँच साल के लिए नहीं बढ़ाते। एक नंबर और हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि वन नेशन वन कार्ड की जो संख्या है वो 20 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 59 लाख हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सर, तीन राज्यों के जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, उसमें ये जो प्रो पुअर स्कीम्स हैं, कहीं जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एक मेजर जो है पार्ट था उनको जिताने में, भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रधानमंत्री की गुड गवर्नेंस गारंटी और जो स्कीम्स हैं। लेकिन इस जीत के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं, दिग्विजय सिंह EVM पे सवाल उठा रहे हैं, जीत को वो एक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि EVM जो है वो चेंज होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, तो फिर से EVM का बहाना हो गया है। उनसे मुझे कहना मेरा यही है कि शायद उम्र ज़्यादा है तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, तो गरीब कल्याण पर चर्चा करेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जब आप एक योजना चलाते हैं तो उसमें गरीब कैसे लाभान्वित होता है, मातृशक्ति को क्या लाभ मिलता है। फिर उनको हमें बताना पड़ेगा कि साहब गरीब के पास में शौचालय भी पहुँचा है, गरीब के पास में पानी भी पहुँचा है, गरीब के पास गैस भी पहुँची है, गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास भी पहुँचा है, और गरीब के और ख़ास करके मातृशक्ति के पास जो वो लॉलीपॉप देते थे उसके अच्छा आरक्षण उन्होंने दिया है। तो EVM की बजाय वो गरीब कल्याण पर चर्चा करें, जो मैंने आपसे कहा है कि कोई विरोधी को अगर बहुत भ्रम है तो मुझे लगता है।